प्रयागराज में दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इस पर्व पर लाखों की संख्या में यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, जिसके मद्देनजर रेलवे ने सुरक्षा मानकों को ऊंचा उठाने का निर्णय लिया है। यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश देने से पहले उनके सामान की स्कैनिंग की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संदिग्ध वस्तु स्टेशन तक न पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से जीआरपी जवान सक्रिय रूप से यात्रियों की चेकिंग और पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीमें भी तैनात की गई हैं, जो स्टेशन पर सुरक्षा में योगदान दे रही हैं। यात्रियों को अनाउंसमेंट के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे कि अपरिचित व्यक्तियों से खाने पीने की चीजें न लेना और ज्वलनशील पदार्थों जैसे पटाखे या गैस सिलेंडर लेकर यात्रा न करना। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रयागराज जंक्शन पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि स्टेशन के हर कोने की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार रेलवे ने पिछले वर्ष की तुलना में 54 विशेष ट्रेनों का संचालन किया है, ताकि यात्रियों को यात्रा करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इस तरह के व्यापक सुरक्षा उपायों से यात्रियों में एक सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, सुरक्षा ऐसे त्योहार के मौसम में सबसे प्रमुख मुद्दा रहता है, और रेल प्रशासन ने यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सबसे पहले चूंकि आप सुरक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिए हमने जो भी अपने प्रमुख स्टेशन हैं वहाँ पे राउंड द क्लॉक हमारे जो आरपीएफ स्टाफ हैं और जो जीआरपी के स्टाफ हैं वो राउंड द क्लॉक तैयार रहेंगे। इसके अलावा जो रेलवे के अन्य कर्मचारी हैं, जैसे टिकट चेकिंग से संबंधित हैं, वो भी किसी प्रकार की भीड़ भाड़ की स्थिति में यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए हर समय तैनात रहेंगे। उनकी टीमें बना दी गई हैं और वो किसी न किसी एक सुपरवाइजर के, और जो बड़े स्टेशन हैं वो डायरेक्ट किसी अधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे। इसके अलावा कंट्रोल जो हमारा होता है, कंट्रोल ऑफिस, उसकी भी राउंड द क्लॉक माइनिंग की जा रही है, जिसमें कोई ना कोई अधिकारी हर समय तैनात रहेगा, ताकि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनती है तो उसको बाकी विभागों से तालमेल करके इतने अच्छे तरीके से उसको निपटाया जा सके, इसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। स्कैनिंग के संबंध में इस तरह के, चूंकि लोगों के ये भी रहता है कि बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ लेके या पटाखे लेके चलने की प्रवृत्ति होती है, तो जो हमारे लगेज स्कैनर हैं, जो हमारे आरपीएफ के दस्ते हैं, वो लगातार इस पर निगरानी रखेंगे कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ लेके ना चले। यात्रियों से हमारी भी अपील है कि ये प्रकाश का पर्व है, परंतु इसमें इतनी सावधानी अवश्य बरतें कि बाकी यात्रियों को असुविधा ना हो। स्पेशल ट्रेन कितनी चल रही है? देखिए, स्पेशल ट्रेन के लिए रेल प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है और बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अगर बात करें सबसे पहले एनसीआर की, तो एनसीआर ने अक्टूबर मंथ में अब तक लास्ट ईयर 16 स्पेशल ट्रेन चलाई थी, जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ओरिजिनेटिंग स्पेशल ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जो 16 स्पेशल ट्रेनें लास्ट ईयर चलाई गई थी, और इस साल अक्टूबर मंथ में 54 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। इनकी विभिन्न, ये जो ट्रेन है इनकी विभिन्न फ्रिक्वेंसी के हिसाब से लास्ट ईयर उनकी ट्रिप्स जो है टोटल अक्टूबर मंथ में 56 ट्रिप्स थी, और इस बार अक्टूबर मंथ में 280 ट्रिप उन्होंने की है, तो एक भारी संख्या में उसमें बढ़ोतरी की गई है। नवंबर मंथ में भी इसी तरह की प्लानिंग की गई है कि उसमें भारी संख्या में बढ़ोतरी की गई है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को हम अपने साथ ले जा सकें,